हम कुछ भी नहीं किया, एक भी काम नहीं किया है। बोलते रहते फिर बड़े बड़े बात करेंगे, हम गोरखा लैंड लेंगे बोल रहे, अभी यूटी लेके आएंगे बोल रहे, अभी लिया है नहीं, वो 11 जात गोष्ठी की बात कर रहा है अभी, वो बिना लेके आया है फिर भी आप बड़े बड़े बात कर रहे हैं, तो उसको हम वोट देंगे अभी। अभी आने वाला MLA को अभी उन लोग हमारे से भी ज़्यादा उन लोगों को पता है क्या करना है। तो अभी जो भी MLA बन के आता है उन लोगों को पूरा सोच के, जो वो लीडर लोग है वो उठाता है उसको थोड़ा दिमागदार उठा के, दार्जिलिंग में क्या क्या समस्या है उसको अच्छा से काम करना चाहिए, वो दिमागदार वाला हमारे को इधर MLA चाहिए। वो कुछ काम किया नहीं, वो जो ये तो भाजपा के बैनर तले वो विधायक हुआ था, तो उसको तो भाजपा ने जो आगे के जो लोकसभा इलेक्शन में, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो वादे किए थे, वो तो एक तो गोरखाली विधायक इस एरिया से होकर के उसको तो काम करने चाहिए था ना, जैसे भाजपा का उसमें था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, ये वगैरह वगैरह कितना इश्यूज था, ये देखिए छोटा सा इश्यू है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी तो नहीं लेके आए सका। क्या कुछ किया मतलब मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन आने वाला जो MLA से वो लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब जितना भी यूथ है मतलब दार्जिलिंग का, वो यूथ के बारे में मतलब कुछ सोचे और मतलब कुछ करे, मैं ये चाहता हूँ मतलब एज अ पब्लिक। अभी मतलब MLA को क्या करना चाहिए, मतलब जितना भी मतलब ये मतलब राज्यसभा में मतलब सुविधा है, मतलब MLA के तरफ से मतलब क्या कर सकता है, मतलब पब्लिक के लिए, यूथ के लिए और मतलब ये पहाड़ के लिए क्या कर सकता है, वो सब कुछ करना चाहिए MLA के। वो शायद वो अभी तक कुछ हुआ है या नहीं है मतलब मुझे इतना पता नहीं है, कुछ भी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि बेरोजगार समस्या बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट भाई लोग है, उसके लिए थोड़ा अच्छी तरह से उन लोगों को स्कॉलरशिप कुछ भी हो सकता है उसके लिए उसको एडवाइस करें, क्योंकि एजुकेशन ही हमारे दार्जिलिंग को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकता है। कि अब मैं दुआ करूँगा कि जो भी आने वाला MLA है कि अच्छी तरह से यंग जनरेशन को विशेष करके यूथ के लिए सोचेगा तो बहुत अच्छा होगा। वो देखने में तो काम नहीं किया है, काम क्या क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। वो वोट में उड़ गया, वो जीत गया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अभी तक कुछ काम ही नहीं किया। वो हॉस्पिटल जाने से वो सिलगढ़ी ले रेफर करता है, तो इसलिए तो कैसे काम करता है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। अभी तो देख रहा है पब्लिक, देख रहा है हम भी पब्लिक के ऐसे तो बोल रहा हूँ, उसने तो कुछ नहीं कर रहा है। वो देखे दार्जिलिंग जैसा है वैसा है, अभी तक जैसा था वैसा ही है, जो पब्लिक जैसा है वैसा है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है।